हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सभी की फूडी होस्ट अमिता, और आज आप सभी के साथ मैं एक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। ये है इंस्टेंट सूजी इडली की रेसिपी, जो कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और वही रेसिपी आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको इसका टेक्सचर दिख रहा होगा। ये सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी होते हैं और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो इसे मैंने बनाया है टोमेटो रसम के साथ। आप सांभर के साथ या फिर कोकोनट चटनी, पीनट चटनी, किसी भी तरीके की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। जब भी आप जल्दी में हैं, ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बनाना सीखते हैं। इस तरीके से ये दाल वाली कटोरी से मैंने एक कटोरी के जितना ये सूजी नाप के ले लिया है। इसी कटोरी से मैं दही भी नापूंगी, तो एक कटोरी के जितना अगर आपने सूजी लिया है, एक ही कटोरी के जितना आपको दही लेना है, तो 1:1 का रेशियो है। अभी इस पॉइंट पे मैं आधा कटोरी के जितना उसी कटोरी से नाप के पानी मैंने ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे मैं हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ, आप चम्मच या फिर फोक की भी मदद से अच्छे से मिला सकते हैं। इसे थोड़ी देर का रेस्ट देंगे, आप 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, ताकि जो सूजी है थोड़ी सी फूल जाए। अभी इस पॉइंट पे मैंने ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, जस्ट आधा कटोरी के ही जितना ऐड किया, क्योंकि रेस्ट देने के बाद सूजी थोड़ी फूलती है, आपका मिक्सचर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, हमें आधा कटोरी पानी बाद में भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पानी की भी क्वांटिटी बता दी, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और एक कटोरी के जितना पानी इसमें ऐड होता है टोटल। तो अभी मैंने आधा कटोरी के जितना इसमें पानी ऐड किया। इसे हम ढक के रख देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके पहले मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच के जितना नमक भी ऐड किया है, ताकि खाने में एकदम ब्लैंड लगे। इसमें थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए नमक ही ऐड कर रहे हैं बस, क्योंकि खमीर वगैरह उठाने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नमक इसी पॉइंट पर मैंने ऐड कर दिया। इसे ढक के हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप आधे घंटे छोड़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। 20 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसका जो टेक्सचर है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सूजी फूल चुकी है अब तक। ये देखिए, पहले से गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आधा कटोरी के जितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हो गया हमारा अभी तक का पानी कितना, एक कटोरी के जितना। तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने की भी समस्या नहीं है, आपको जस्ट एक कटोरी इसी तरीके से याद रखना है। एक कटोरी के जितना सूजी, एक कटोरी के जितना दही और उतना ही पानी। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे पतला भी होगा तो आपकी जो इडली है एकदम फ्लैट बनेगी। फ्लैट नहीं बनानी है, थोड़ा सा आपको बैटर है वो डोसे वाले बैटर की तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है, बिल्कुल ऐसा। अगर गलती से आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाता है, तो थोड़ी सी सूजी और ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए वापस से छोड़ दें। ये देखिए, इतना गाढ़ा बैटर होना चाहिए कि जिस स्पैचुला या फिर स्पून से आप उसको हिला रहे हो, उसके पीछे एकदम अच्छे से कोट कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में एक चम्मच के जितना पानी लिया है, इसमें मैंने उसी खाने वाले चम्मच से नाप के एक चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। पानी में घोल के ही ऐड करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बैटर में ऐड कर दोगे ना, तो कभी कभी होता है कि बेकिंग पाउडर अच्छे से घुलता नहीं है। तो पहले एक चम्मच पानी में घोल लें, फिर उसके बाद मिला दें। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते, आपके पास बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग पाउडर की आधी क्वांटिटी, अगर जैसे मैंने एक चम्मच ऐड किया है, आप आधा चम्मच के जितना ऐड करें। अगर वो भी नहीं है तो एक चम्मच के जितना, यानी कि 1 टीस्पून के जितना आप उसमें फ्रूट इनो सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन वो तभी आपको डालना है जब आप बनाने वाले हो इडली उसी पॉइंट पर, नहीं तो वो जो उसका एक्टिव पावर होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड को चढ़ा दिया है पानी डाल के उबालने के, मतलब उसमें स्टीम बनने के लिए। और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसमें मैंने घी लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है, ताकि बाद में बनके हमारी इडलियाँ अच्छे से निकल आए। इसे हम फिल कर लेंगे, एकदम पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि ये फूलेंगी भी। समान क्वान्टिटी में इसमें बैटर डाल दें। मैंने जितना बैटर तैयार किया है, मेरी 10 इडलियाँ बन के तैयार हुई थी। अगर आपको और बनाना है तो आप
सारी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसे हमें स्टीम करना है मीडियम आंच पे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, आराम से पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी इडली काफ़ी शाइनी सी हो चुकी है। इसे निकाल के थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, फिर उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छा शाइनी कलर आ गया है। बहुत ही झटपट रेसिपी है, हमें बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। घर वाली चीज़ों के साथ आप इसे आराम से बना सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे कितना भी खा सकते हो, ये हैवी नहीं लगता खाने में। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टीम होके निकला है, कितना सॉफ्ट है आप ये देख सकते हो। आप बच्चों को टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हो इसे आराम से। इसी तरीके से हम बाकी के भी निकाल लेंगे। हमने इसे अच्छे से ग्रीस किया था तो आराम से निकल आ रही हैं। दोस्तों, मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट में और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं जिनमें बहुत कम तेल लगता है। अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट वाली रेसिपीज़ देखनी है तो ऊपर आई बटन में जो लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने साउथ इंडियन रेसिपीज़ भी बहुत सारी शेयर की हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हमारी इडलियाँ। ये ख़राब नहीं होती, आप इसे मतलब एक से दो दिन तक आराम से खा सकते हो। अगर ये एक दिन पुरानी हो गई तो आप इसे थोड़ा सा कट करके तड़के के साथ फ्राई करके भी खा सकते हो, वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। बट हमारे घर में ये अक्सर बचती नहीं है, क्योंकि जैसे ही बनाऊँ ये तुरंत ही ख़त्म होती है। हम लोग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही ईजी है, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको रेसिपी के दौरान कोई दिक्कत होती है तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा, यानी कि छोटा सा घंटी जैसा साइन, उसे भी यहाँ से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँ इसी तरीके के, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिले, आपसे मिस ना हो। इसे मैंने सर्व कर लिया। आज मैंने बनाया है टोमेटो रसम। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की कोई और भी हेल्दी रेसिपी मुझसे सीखना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आज की ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि आप ही जैसे और दोस्तों तक इस तरीके की हेल्दी रेसिपीज पहुँचें। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।